हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में बेस्ट ट्रक बताने वाला हूँ। क्योंकि आप कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में आपको तीन ट्रक मिलते हैं, वो बड़े बड़े। इस वीडियो में मैं छोटे ट्रक को नहीं काउंट करने वाला हूँ। जो ये बड़े बड़े तीन ट्रक आपको मिलते हैं, इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। जिसके पास अंधा पैसा नहीं है, मतलब कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में, उसको अगर बाय करना है तो कौन सा ट्रक आपको बाय करना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो भैया, आप सबसे पहले ट्रक पे आओगे तो आप इसकी पावर देख सकते हो, कितनी पावर आपको मिलती है यहाँ पे। और अगर आप तीसरे ट्रक पे आओगे, इसकी पावर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है भाई पैसे का। आप देख सकते हो यहाँ पे 1.40 है और यहाँ पे 1.70 है। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको इन दोनों में अगर बाय करना है तो आपको यही ट्रक बाय करना चाहिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो अगर आपके पास कोई नहीं तो आप ये भी बाय कर सकते हो, पर अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप ये बाय कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो भाई, मैं इसको बेस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पहले ट्रक पर आओगे जो कि मनी देने से मिल रहा है, उसकी आप अगर प्राइस देखोगे और ये तीसरे ट्रक की अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा, और इसकी पावर भी उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इसकी पावर है, इसको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आती है बात कॉइन की। आप मनी बहुत सारे तरीके से कमा सकते हो, पर कॉइन के तरीके बहुत कम है। ये वाला ट्रक आपके लिए बेस्ट होगा कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में, अगर आपको ट्रक खरीदना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।